मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर बैगराजपुर मेडिकल कॉलेज से लापता मरीज का शव रेलवे ट्रैक से मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मंसूरपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि मेरठ जनपद के दौराला थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय गुप्ता के पेट में दर्द होने की शिकायत पर उसके परिजनों के द्वारा 9 नवंबर को उसे मुजफ्फरनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन 13 नवंबर की सुबह लगभग 4:30 बजे संजय अचानक मेडिकल कॉलेज से लापता हो गया। सुबह परिजनों ने सब जगह संजय को तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता न चला, जिसके बाद संजय के परिजनों ने मंसूरपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो जाकर स्थिति स्पष्ट हुई। मृतक मरीज संजय के बेटे विपुल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में मेडिकल के दो गार्डों की संजय से किसी बात को लेकर हाथापाई हुई और उसके बाद वो दोनों गार्ड संजय को उठाकर मेडिकल के गेट के बाहर ले जाते हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए एक गार्ड को हिरासत में लिया है। आज मंसूरपुर थाना क्षेत्र के ही जोड़ैदा गाँव के पास रेलवे ट्रैक से संजय का शतविशित शव मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संजय के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज को बंद कराने की मांग की है। 9 तारीख में मेडिकल बिराजपुर में भर्ती कराया गया था रात को 7:30 बजे। उनके पेट में दर्द था, पानी था पेट में और कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। फिर 13 तारीख सुबह को 4:30 बजे के करीब वे गायब थे अस्पताल से, और मैंने स्टाफ वालों से भी पूछा कि कहीं है, उन्होंने कुछ वो नहीं करा कि हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कोई जानकारी नहीं थी। वो तो आज सीसीटीवी में देखा है जी, नीचे गार्ड 3 आदमी लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने महत्ता पाई खूब मारा है, लिटा लिटा का मार रखा है उसमें वीडियो में। अभी ठाक है बाद में कंधों पर बाहर फेंका है, पता नहीं बाहर फेंका है या रेलवे ट्रैक पे उन्होंने ही फेंका है। आज धरना भी दिया है हमने, पर कुछ उसके बाद ही लाश मिली है अगले दिन। ये आपका जड़ौदा रेलवे लाइन पर मिला है हॉस्पिटल, हाँ जी डिपार्टमेंट की पुलिस कर रही है पर इतने नहीं कर रही जो करनी चाहिए उन्हें। ये कार्रवाई हो रही है 5 घंटे तो हो गए सर। 5 का ज़्यादा हो गया, ज़्यादा किसका हॉस्पिटल है? गौरव स्वरूप है सपनिता। एक व्यक्ति 9 तारीख में उसके परिजनों ने वेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जिसका लीवर डैमेज था और गंभीर उसमें था वो हालत में। 13 तारीख की सुबह उसके परिजनों का ये कहना है कि वो सुबह 5 बजे के करीब मेडिकल कॉलेज से गायब हो गया था और आज उसकी डेड बॉडी वेलना के पास रेलवे ट्रैक के पास मिली है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। उसके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके अनुसार जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के कुछ सीसीटीवी है जिसमें वो जाता हुआ तथा वहाँ के लोगों के साथ कुछ स्कफल की मुद्रा में है, कुछ उनकी हाथापाई हुई है, इस तरह का आरोप घर वालों का है अभी तक। क्या कार्रवाई की जा रही है सर, कोई अभी तक मुकदमा किया है? वो तो अभी परिवार वाले तहरीर दे रहे हैं और जो भी होगा उसमें न्याय संगत कार्रवाई होगी, क्योंकि परिवार के अपने आरोप हो सकते हैं, सत्यता जो होगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट।